Sound check. 1, 2. Hello. Hello. Can you hear me? Mic testing. 1, 2, 3. Yeah. Hey, where are you looking at? I'm here. Yeah, a little below. Yes, that's me. Is there enough headroom? Do I look nice? Am I audible? Okay. Let's roll. Hey, I'm glass. Like I'm literally glass. Yeah, yeah. You'll be like, how can I talk? But well, this is fiction, so okay, whatever. All I want you to know is that is story ka hero, main hoon. So don't let the characters tell you otherwise, huh? Achha, to chalo, shuru karte hain. This is Emma. Yeah, I know she looks weird, but she has had a very troubled childhood. Her mother cheated on her father aur phir unke pita shri ye sadma le nahi paye aur unhone aatmahatya kar li. Emma ko ho gayi apni maa se beshumar nafrat. Lekin wo important nahi hai. Important hai ki kis cheez ki practice kar rahi hai. Emma is practicing to become an opera singer. And why is she doing that? Emma jab ek din apni tooti kismat pe ro rahi thi tabhi toota. अब किसी ने इसे बोल दिया है कि शीशे का टूटना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि जो भी मुसीबत आने वाली है, वो शीशे के टूटने से टल जाती है। बस फिर इन्होंने ठान लिया कि अब ये अपनी आवाज से ग्लास तोड़ेंगे। कौन समझाए इन्हें कि ओपेरा हो या कुछ और, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं हूं मैं। चलो इनको इस मिराज में रहने देते हैं। ये हमारी दूसरी कैरेक्टर है, इनका नाम है राधा। ये है डिप्रेस सोल। बालिका थी जब इनकी शादी हो गई, और हर बालिका वधु की कहानी की तरह ये भी विधवा हो गई। अब इनको लगता है कांच टूटने से डर। क्या क्या क्या, मुझसे भी डर लग रहा है। इनकी हाथ की चूड़ियां टूटी गई थी। हाँ, ये विधवा होने के साइड इफेक्ट होते हैं ना, कांच की आवाज सुन के ये दहल जाती है। जिंदगी शीशे की तरह बिखरी हुई है और वो उसे समेटती रहती है।
I can see you're playing hard to get, huh? तुम्हें पता है? तुम्हारे टूटने से डर लगता है मुझे. You know what? I'm going to show you that I can play hard that. लेकिन जो मैं खुद से टूट रही हूँ ना, इस बात से मुझे डर नहीं लगता है. I'm gonna break you. अपनी जिंदगी से ज़्यादा तुमसे डरने लगी हूँ मैं. अरे जनाब एमा, तुम ये क्यों नहीं समझ रही कि इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मैंने बात नहीं मानी, मैं नहीं टूटा, तो तुम जिंदगी के किसी भी बोझ से क्यों टूट रही हो? और राधा, काज से ज्यादा खुद के टूटने से डरो. किसी का साथ छूटने से कम अपना खुद का साथ तो मत छोड़ो. तुम्हें तुम्हारी जरूरत है.